Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules. Today we are going to discuss the two modules, module number 4 and module number 5 in this video. I have covered these modules as well in my previous video. This crystal lattice part 1 and crystal lattice part 2 is already being covered and its solution is also there in YouTube. So if you haven't watched that, you can see in the playlist of crystallography that two videos are available. So let's begin with our fourth module, that is brevis lattice. So this is our fourth module of brevis lattice. So let's begin with the first question. So the first question says, which of the following statement is correct from the given brevis lattice system? MCQ type of question this is. So ये जो figure है, you can clearly see from here that it belongs to cubic system. This is clear. ये cubic system से belong करता है. In this what is, we know that A is equal to B is equal to, this is B and this is C. So A is equal to B is equal to C होता है. So axial length in case of cubic system, that is A is equal to B is equal to C. This is clear to us. And इसके अलावा there is one more thing, that your axial angle, that is alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. So एक बार axial length को हम थोड़ा सा detail में देख लेते हैं क्या होती है axial length. So suppose this is your three axes, ठीक है, ये orthogonal axis है तीन. Let's take this as x, this is y and this is z. सो अगर ये डिस्टेंस, इफ दिस डिस्टेंस इज योर ए, अगर ये डिस्टेंस हमारी ए है तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होता है दैट एंगल इज योर अल्फा अल्फा. एंड इफ दिस डिस्टेंस योर डिस्टेंस इफ इट इज अ बी, सो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होता है दैट इज योर बीटा. एंड इफ दिस डिस्टेंस इज योर सी, सो जस्ट अपोजिट इसके एंगल जो हो गया वो गामा. सो इन केस ऑफ क्यूबिक सिस्टम your A, B and C are equal and alpha, beta, gamma is equal to 90 degree. So let's see the options here. So axial length is equal and angle between the axial plane is 90 degree. So this option is correct. So BCC cubic system cell has two atoms per unit cell. So BCC के case में, body centered case में two atoms per unit cell होता है क्या? Let's see. सो हमारा एक क्यूबिक फिगर है ये, ठीक है. अब यहाँ पे आपके सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं, है ना, इन ईच एंड एवरी कॉर्नर सपोज एटम्स आर प्रेजेंट, तो टोटल एट एटम्स होंगे आपके सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे. तो सारे कॉर्नर्स पे एट एटम्स प्रेजेंट हो गए. अब ये जो एक एटम है यहाँ पे, दिस वन एटम, ये जो एक एटम है ये, अगर आप यहाँ पे एक और ऐसे क्यूब हम ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, जो एक एटम है ये आपका, टोटल एट एटम होते हैं और एक एटम जो है वो वन बाय एट से शेयर करता है, ठीक है. यहाँ पे भी एक टोटल एट एटम हो गया और ये जो है यहाँ पे आप ऐसे क्यूब ड्रॉ करेंगे तो एट और क्यूब ड्रॉ हो जाएंगे, तो टोटल वन बाय एट से शेयर करता है. इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी के बीच में भी एक आपका प्रेजेंट होगा एटम. सो वन एटम एक और यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी वन एंड दिस वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. अभी यही अगर फेस सेंटर्ड के केस में होता तो आपके फेस में प्रेजेंट होते एटम, है ना, तो फेस में अगर एटम प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे इस फेस प्रेजेंट है, इस फेस पे है, दिस फेस, दिस फेस, दिस फेस. अब ये एक फेस अगर यहाँ पे एक और मैं क्यूब ड्रॉ करूँ तो ये जो एक एटम है ये दो फेस से शेयर हो रहा है, और क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं हमारे, सिक्स. सो टोटल सिक्स फेस होते हैं और एक एटम जो है वो दो से शेयर होता है, दो प्लेन से. तो टोटल कितना आ जाएगा ये, थ्री प्लस जो कॉर्नर वाले हैं हमारे फेस सेंटर्ड में, दैट इज सेम एज एट इंटू वन बाय एट. सो दिस कम्स आउट टू बी वन. सो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर.
सो व्हाट इज माय पॉइंट इन टेलिंग दिस इज आपका एफसीसी के फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं आपके 4 इन केस ऑफ एफसीसी, और बीसीसी के केस में आपके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 2। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ द योर क्यूबिक यूनिट सेल। दैट फॉर्मूला आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो विच इज गिवन बाय मोलर मास इंटू जेड, दिस जेड इज वॉट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम। सो ये डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज होगा। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। सो द एक्सियल लेंथ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल इज 2 एटम पर यूनिट सेल, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फेस सेंटर्ड का आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट फेस सेंटर्ड में योर 4 एटम्स आर देयर पर यूनिट सेल, सो दिस 3 ऑप्शन आर करेक्ट। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस 2 ऑप्शन आई पुट इंटेंशनली दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज इट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो द ऑप्शन डी इज आयरन इज शोज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आयरन जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है एंड कॉपर जो है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है। आयरन, योर आयरन शोज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आयरन जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है और कॉपर आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इट शोज। सो दिस मीन्स दिस ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट इन द गिवन क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू ऑर्थोरम्बिक सिस्टम, सो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए। ऑर्थोरम्बिक के केस में ए जो एक्सियल लेंथ है वो सारी एक्सियल लेंथ अनइक्वल होती है बट उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिलो फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये किस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल है। सो वी कैन सी हियर दैट यहाँ पे अल्फा जो है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है बट आपका जो बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री है, ये वी कैन सी हियर। एंड एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये एक्सियल लेंथ ए है सपोज और दिस एक्सियल लेंथ इज बी, ये एक्सियल लेंथ आपका बी है और ये वाली एक्सियल लेंथ दिस वन इज सी, सो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द फिगर दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। सो ये वी कैन क्लियरली सी दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। एक तो ये केस है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एक ये वाला केस है कि बीटा और गैमा जो है दो एंगल जो है वो इक्वल है बट एक एंगल इक्वल नहीं है, तो ऐसा आपका किस केस में होता है, मोनोक्लिनिक। ठीक है, अगर यहाँ पे ये भी आपस में अनइक्वल हो जाते सारे और ये भी नॉट इक्वल होते, ये भी नॉट इक्वल होते, तब इन दैट केस द आंसर वुड बी अ ट्राइक्लिनिक, बट इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज योर अ मोनोक्लिनिक सिस्टम। दिस इज क्लियर, और ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे ज्यादा सिमिट्री असिमिट्री शो करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द बिलो फिगर रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम, ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम शो कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल, अगर ये ए है ये बी हम सपोज ले लेते हैं और दिस इज सी, सो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर दैट ए इज इक्वल टू बी एंड विच इज बी नॉट इक्वल टू सी, और ये गिवन भी है यहाँ पे, है ना। बट एक चीज और यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट एंगल बिटवीन ऑल द एक्सियल लेंथ यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री और दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो एंगल मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, इनके बीच का एंगल इज हाउ मच, इट इज गिवन एज 90 डिग्री। सो ऐसा केस आपका कौन से केस में होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर टेट्रागोनल सिस्टम, ये टेट्रागोनल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें
आपका ये केस होता है कि ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका टेट्रागोनल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल सिस्टम। तो हमने क्यूबिक का तो देख लिया था, क्यूबिक के बॉडी सेंटर पे 2 था, फेस सेंटर पे 4 था, और क्यूबिक के नॉर्मल जो क्लोज्ड पैकिंग है, जो ये वाला क्वेश्चन है आपका 6th वाला, जो नॉर्मल क्लोज पैकिंग होता है जिसमें मैंने बताया था कि कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 1/8, और वो जो 8 है वो 1/8 से शेयर करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। 5th हम देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम के केस में कितने आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो पहले एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। दैट विल बी रियली टफ टास्क फॉर मी टू ड्रॉ हेक्सागोन हियर, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई विल ट्राई टू मेक। सपोज आपका एक हेक्सागोन है ऐसा, तो सॉरी फॉर माई फिगर बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दिस माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, बट इट्स ओके। इससे अच्छा फिगर तो मतलब छोटे बच्चे बना लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा हेक्सागोन है, और यहाँ पे हर कॉर्नर्स पे आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, हेक्सागोन के सारे कॉर्नर्स पे। तो इस कॉर्नर पे 6 हो जाएंगे टोटल, और नीचे वाले कॉर्नर पे भी 6 एटम प्रेजेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हो गए आपके, 12। अब जो ये कॉर्नर वाला जो एटम है यहाँ पे, अगर आप इसको ले लेते हैं, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये दिस लुक लाइक दिस ना, यहाँ पे आपका एटम प्रेजेंट है ये, और ये एंगल कितना होता है आपका 120 डिग्री। दिस एंगल इज योर 120 डिग्री, और जो कंप्लीट सर्कल है उसका कंप्लीट सर्कल का एंगल हमारा दिस वन, ये पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है इसका पूरे का एंगल होता है 360 डिग्री। सो जो एटम है एक हेक्सागोन सिस्टम के अंदर, जो 1/3 पार्ट शेयर कर रहा है ना, कैसे 360 डिवाइडेड बाय 120, व्हेन यू डू इट विल कम आउट टू बी 3। सो 1/3 पार्ट अगर शेयर कर रहा है एक एटम, ठीक है, एक एटम का ये यू कैन सी फ्रॉम हियर, एक एटम का हाफ पार्ट 1/3 शेयर कर रहा है, तो पूरा कितना शेयर करेगा इंटू 1/2 मीन्स 1/6 पार्ट, ठीक है। एक एटम का हाफ पार्ट जो है आपका वो 1/3 शेयर कर रहा है, तो पूरे एटम का कितना शेयर करेगा 1/6। तो टोटल 12 है, तो 12 इंटू 1/6, ठीक है, प्लस अब इसमें क्या होता है आपके यहाँ बॉडी के बीच में 3 और एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, 2, एंड यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया आपका 3, ठीक है, दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये बॉडी के बीच प्रेजेंट हो गया, और एक आपका फेस पे प्रेजेंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे, और ये किससे, अगर इसके ऊपर एक और आप हेक्सागोन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर एक और हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे, तो वो जो एक है जो फेस पे प्रेजेंट है वो 2 आपके क्रिस्टल्स का शेयर हो रहा है, सो दैट विल कम आउट टू बी 2 इंटू 1/2। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल बिकम 2 + 3 + 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6। तो हेक्सागोनल सिस्टम में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होते हैं आपके 6। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हेक्सागोन से 6, ठीक है। सो आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा वापस से रिमाइंड करके देख लेना कि मैं व्हाट आई वांट टू से हियर। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। सो दिस इसका आंसर आ गया 1। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं हम। इन द फॉलोइंग फिगर द एक्सटीरियर एंगल मेजर्ड बिटवीन 011 ये वाला फेस एंड 0121 फेस, दिस फेस विद अ गोनियोमीटर इन द क्रिस्टल ऑफ 40 डिग्री। सो यहाँ पे इनका जो एंगल है, जो गोनियोमीटर है, वो क्रिस्टल फेसेस के बीच का एंगल मेजर करने का काम आता है। तो सपोज आपका गोनियोमीटर यहाँ पे ऐसे प्लेस हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे हमने प्लेस किया हुआ है गुनियोमीटर को ताकि उसका एंगल हम मेजर कर सकें, और इसकी वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे हमने गुनियोमीटर प्लेस किया हुआ दिस दिस वन, सो इसकी वैल्यू जो है हमको यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हमको दी हुई है 40 डिग्री। सो लीनियर पेयर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 180 माइनस 40 है ना, 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका, 140। सो ये वैल्यू आ गई हमारी 140। हमको फाइंड करना है दिस वैल्यू, व्हाट वी हैव टू फाइंड, द इंटीरियर एंगल बिटवीन 010 एंड 021 फेस, अंदर का एंगल में 010 एंड 0121 फेस के अंदर के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको एक्स ले लेते हैं हम, तो अभी अगर सारे साइड्स के नेम कर दें, अगर इसको बोल देते हैं हम ए, दिस इज एस बी, दिस इज एस सी, इसको बोल देते हैं हम डी ई, तो ये क्या किस टाइप का पॉलीगॉन है, ये ए बी सी डी ई, ये पेंटागॉन है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागॉन कितना होता है आपका, 540 डिग्री। ठीक है, पेंटागॉन के सारे एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इस सब एंगल को हम प्लस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 540 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू इज हाउ मच, 90। एंगल डी हमको फाइंड करना है एक्स, और एंगल ई हमारा हो गया 140 डिग्री। दिस ऑल इज इक्वल टू हाउ मच, दिस ऑल इज इक्वल टू योर 540 डिग्री। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू विल कम आउट टू बी 90 प्लस 90, 180, 270 प्लस 140 माइनस 540, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 130। ठीक है, 130 आ जाएगा। सो 130 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 130 इसका आंसर आ जाएगा दिस क्वेश्चन का। आई होप दिस मॉड्यूल इज रियली हेल्पफुल टू यू, है ना। अब ब्रेवियस लैटिस पे हो गया, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मिलर इंडिसेस। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, द मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ए एंड बी आर डैश रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द गिवन फिगर। तो इस फिगर से हमको फाइंड आउट करना है कि मिलर इंडिसेस क्या होगा। सो लेट्स चेक दिस। यहाँ पे जो प्लेन ए है आपका, इस प्लेन ए में ये जो एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज अवर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस हो गई हमारी, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है हमारा 1/3 पे, वेट, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है हमारा 1/3 पे, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, एंड z एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है हमारा 1/2 से। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 3, 2, 2। अभी ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू है। सो इस प्लेन का मिलर इंडिसेस, दिस प्लेन का, प्लेन ए का जो हमारा मिलर इंडिसेस है, दैट कम आउट टू बी 3, 2, 2। ठीक है, प्लेन बी का वी कैन चेक सिमिलरली, प्लेन बी का x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये 1/2 पे, और z एक्सिस पे भी, y एक्सिस के तो पैरेलल है, तो इट विल कम आउट टू बी योर 0। ठीक है, और इसके z एक्सिस के अलोंग कट कर रहा है 1/2 पे, 0 नहीं इन्फिनिटी पे आएगा। ठीक है, पैरेलल है तो इन्फिनिटी पे, सॉरी। सो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हम हो जाएगा 2, 0, 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर प्लेन बी। ठीक है, सो लेट्स सी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इन द क्वेश्चन टू वी हैव टू फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन बी। सो हमारा प्लेन बी कौन सा है, दिस इज अवर प्लेन बी। ठीक है, ये हमारा प्लेन बी हो गया,
एंड ये प्लेन बी में आप यू कैन सी दैट इट इज कटिंग आउट एक्स एक्सिस, जो ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, 1/2 पे, एक्स एक्सिस को 1/2 पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस को इट इज कटिंग आउट एट 1/3, ये क्लियरली विजिबल नहीं है, दिस इज 1/3, ओके। सो वाई एक्सिस को 1/3 पे कट कर रहा है एंड जेड एक्सिस के तो ये पैरेलल है, सो इट विल कम आउट टू बी इनफाइनाइट। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 2, 3, 0। सो ये मिलर इंडिसेस आ गया हमारा प्लेन बी का। सो दिस इज द मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन बी, 3, 0। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एच इन मिलर ब्रेविस इंडेक्स बार 4, 1, H0। ठीक है, एच की वैल्यू वी हैव टू फाइंड कि एच की वैल्यू क्या है। सो वी नो दैट जो आपका हेक्सागोनल सिस्टम होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, एच के आई एल इस फॉर्म में होता है, और ये क्या है, सारे इंटरसेप्ट है ना, एच के आई एल आपके सारे इंटरसेप्ट है, और इनका जो समीशन होता है दैट इज इक्वल टू 0। सो एच प्लस के प्लस आई प्लस एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बार 4 है, बार 4 मीन्स नेगेटिव 4, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा -4 + 1 + H + 0 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 + 1 - 3, और फिर उसको वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 3। सो H की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन योर जैम, ठीक है, जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन जैम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बार हियर ना, सो एक एक का जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा आपका, एच माइनस के इज इक्वल टू -1, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा ए क्रिस्टल का। बी का आपका बन जाएगा एच प्लस के, ठीक है, प्लस के और -2 - 1, तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, आप उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा आपका +3। ठीक है, और ये -1 है तो ये कितना हो जाएगा +1, यहाँ पे -1 था उधर ट्रांसपोज होके दैट विल कम आउट टू बी +1। सो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो k कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, h प्लस h आ जाएगा 2h और 3 + 1 हो जाएगा 4। सो h की वैल्यू विल कम आउट टू बी 2। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना, आई हैवंट सीन द बार, सो कैन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। द गिवन फिगर बिलो शोज द इंटरसेप्ट ऑफ एच के एल विद द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस ए बी सी द मिलर इंडिसेस। सो यहाँ पे मिलर इंडिसेस क्या होगा हमारे प्लेन का, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो हमारा प्लेन जो है वो दिस इज अवर प्लेन, ये प्लेन है हमारा। अब ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एच पे ये कट, एच पे कहाँ पे कट कर रहा है आपका, एच पे एग्जैक्टली ये कट कर रहा है आपका 2 पे। ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो एच को 2 पे कट कर रहा है एंड के को कहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज 1 एंड 1.5, ठीक है, 1 से थोड़ा ज़्यादा है तो 1.5 पे कट कर रहा है, 1.5। और जो एल है 1, 2, 3, एल को कट कर रहा है ये 3 पे। ठीक है, तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 विच इज इक्वल टू 3/2 एंड 3, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर वीस पैरामीटर। अब वीस पैरामीटर को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। सो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 2/3 एंड 1/3, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। सो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है,
तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दिस विल बी कम आउट टू बी 3। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, एंड दिस विल कम आउट टू बी 2। सो आंसर विल कम आउट टू बी 3, 4, 2। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। द यूनिट सेल पैरामीटर ए बी सी आर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, 20, 30 आर्मस्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मिलर इंडिसेस फॉर अ फेस दैट इंटरसेप्ट द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस एक्स वाई जेड एट 10, 8, 60 एंड 60। सो वी नो दैट कि 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट जो है एक्स एक्सिस का 30 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 10 यूनिट एक्स का 30 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 20 यूनिट ऑफ वाई, 20 यूनिट ऑफ वाई जो है हमारा दैट इज इंटरसेक्टिंग एट 60, और 30 यूनिट ऑफ जेड, 30 यूनिट ऑफ जेड इज इंटरसेक्टिंग एट 60। तो यहाँ से हम सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, द वैल्यू ऑफ एक्स विल कम आउट टू बी 10 डिवाइड बाय 30 विच इज 3। वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज ऑल्सो 3, ठीक है, वाई की वैल्यू भी यहाँ से आ गई 3, एंड जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी डिवाइड करके, दैट विल कम आउट टू बी 2। तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये 20 पैरामीटर है, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/2। नाउ अगेन वी मल्टीप्लाई ऑल दिस विथ 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 2, 2 एंड 3, ठीक है। इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि ये कंपैरिजन करने बोल रहा है, ठीक है, तो 10 यूनिट ऑफ एक्स जो है विच इज इक्वल टू 30 आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज 2, 2, 3, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ था। नाउ यू कैन सी ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपका, देखो कि ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, सो 5 यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू 20, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू 20 है, तो एक्स की वैल्यू विल कम आउट टू बी 5 डिवाइड बाय 24, एंड 2 यूनिट ऑफ वाई इज इक्वल टू 20, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, 10, एंड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट ऑफ सी इज इक्वल टू 20, सो दिस विल कम आउट टू बी 5। ये आ गया हमारे पास 20 पैरामीटर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू रेसिप्रोकल कर देना इनका, 1/4 बाय 1/10 बाय 1/5, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे 4, 10 और 5 का, तो 20 आ जाएगा इनका एलसीएम, को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, दिस विल कम आउट टू बी 2 एंड दिस विल कम आउट टू बी 4, सो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5, 2, 4 दिस वन, ओके। आई क्लिक ऑन द रॉन्ग ऑप्शन, सो 5, 2, 4, ठीक है, कैलकुलेट सही किया था, क्लिक आई क्लिक ऑन द रॉन्ग ऑप्शन, सो 5, 2, 4 इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8, द व्हाट विल बी द मिलर इंडेसिस ऑफ द गिवन प्लेन। सो यहाँ पे हमारा प्लेन जो है वो, दिस इज अवर प्लेन हियर, ये प्लेन है हमारे पास जो पिंक कलर से है ना, दिस इज अवर प्लेन, इसकी मिलर इंडिसेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक्स पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पे, और वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, बट जेड पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल यू कैन से व्हाट विल बी इट्स मिलर इंडिसेस, 1, 1
एंड जेड के पैरेलल है तो जीरो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। सो 110 इज द राइट ऑप्शन। सो दिस टाइम आई विल क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। सो 110 इज द करेक्ट। प्लेन ये गिवन है यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी हियर दैट ये जो प्लेन है ये सिर्फ आपका वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज इंटरसेक्टिंग एट वाई ओनली, और ये जेड के भी पैरेलल है और एक्स के भी पैरेलल है। तो ऐसे केस में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एक्स के पैरेलल है मतलब 0 1, जेड के पैरेलल मींस 0। सो इसका आंसर इज 0 1 0। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन जो है, ये व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ये आप सॉल्व करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मॉड्यूल्स पसंद आते हैं तो यू कैन कम टू द वेबसाइट एंड सब्सक्राइब, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स अवेलेबल हियर दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। एक एक टॉपिक पे पर्टिकुलरली इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अलग ही बिल्डअप हो जाएगा, देन यू कैन टैकल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन द एग्जाम। सिमिलरली सारे मॉड्यूल्स इसी प्रिसाइजली वे में डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन दे कैन आस्क। आई हैव पुट द क्वेश्चन लाइक दैट ओनली। So thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe.